अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। इसके पहले कल तक जो है हमने ऑसिलेशन ये अपना यूनिट कंप्लीट किया। आज हम उसके आगे का यूनिट, माना के बीच में कुछ यूनिट बाकी है तो उसे भी कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन आज हम जो है ऑसिलेशन के बाद नेक्स्ट जो यूनिट शुरू करने जा रहे हैं वो उस यूनिट का नाम जो है वो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स है, मौजों का इंतबाह। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये समझ लेना जरूरी है कि मौज किसे कहते हैं। तो आइए हम मौज के बारे में देखते हैं कि मौज किसे कहते हैं, इसकी तारीफ क्या की जा सकती है। तो वास्ते से अपनी शक्ल को तब्दील किए बगैर गुजरने वाले दौरी खलल को मौज कहते हैं। वास्ते से अपनी शक्ल को तब्दील किए बगैर गुजरने वाले दौरी खलल को मौज कहते हैं। यहाँ पर हम समझ लो मिसालें देख सकते हैं उसकी। जैसा मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए मौज के एतबार से जो है इसमें की एक किस्म ले लेता हूँ कि अर्जी मौज को मैं यहाँ टारगेट करता हूँ और उसके बेस पर हम उसकी तारीफ को समझेंगे। देखिए अर्जी मौज को जो है शक्ल से इस तरह दिखाया जा सकता है। ऐसा आगे कितना भी इसे बढ़ाया जा सकता है। तो हम यहां भी देख रहे हैं कि शक्ल जो है वो तब्दील नहीं हो रही है। देखिए कि ये शक्ल यहां पर ये जो है ये फराज है जिसे इंग्लिश में जो है क्रिस्ट कहते हैं, क्रस्ट क्रिस्ट, और ये जो है प्रफ है, क्रिस्ट प्रफ। तो यहां क्रिस्ट और ट्रफ, इसके बाद में दोबारा जो है क्रिस्ट ट्रफ इस तरीके से इसके अंदर में हासिल होंगे। मतलब यह है कि वो मौत जो है अपनी शक्ल को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जो है दबाते हुए चलती है, एक मखसूस वक्फे के अंदर, एक मखसूस वक्फे के बाद अपनी शक्ल को दोहराती है। और ये जो है वो एक दौरी खलल है। जैसा ये जो एक्स मेवर है, इस एक्स मेवर को एक डोर मान लिया जाए कि, और वो वाई मेवर को वहां जो है ऐसा मान लिया जाए कि वो कोई एक मुस्तहकम सहारा है। उस मुस्तहकम सहारे से ये डोर बंधी हुई है, इसे अगर ऊपर नीचे तेजी से झटका दिया जाए तो इसके ऊपर में ये मौज बनेगी। और ये है कि ये जो डोर ऊपर नीचे होगा तो ये वास्ते के अंदर में जो है खलल पैदा करेगा, एक डिस्टरबेंस लाएगा। तो मौज जो है एक डिस्टरबेंस होती है, और वो भी कैसी कि जो अपनी शक्ल को बार बार दोहराती है। तो अपनी शक्ल को तब्दील किए बगैर गुजरने वाले दौरी खलल को मौज कहते हैं। तो इसमें मौज की जो आम खसूसियत है वो देखेंगे, क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स के किसी भी मौज के अंदर में ये चीजें होती ही है, ये हमें देखना है। क्योंकि मौजों की यहाँ पर अलग अलग किस्में भी हम देखेंगे, लेकिन मौज चाहे जो भी हो उसके अंदर में कुछ बातें जो है वो कॉमन होती है। हर मौज के अंदर में ये बात कॉमन होती है। तो इसमें जो कॉमन बातें हैं उसमें से ये है कि मौज में जो जर्रात है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं करते, सफर नहीं करते। आइए देखते हैं। तो इसके अंदर में देखिए कि इस डोर के ऊपर मैं ऐसा पॉइंट मार्क करता हूं एक कि जो मुझे दिखाई दे। इसको झटका देने के बाद चाहे मैं इसको जितने भी झटके दूं तो ये नहीं होता कि ये जो जर्रा है वो समझ लो यहां आ गया या फिर इधर चले गया, ऐसा इसके अंदर में नहीं होता, ये नहीं होता। लेकिन फिर भी ये मौत जो है वो आगे की सिमत में बढ़ती है।
वो क्यों? तो ये क्या है? तो मौज के अंदर में जो है तवानाई और जो मियारे हरकत है, मतलब जिसे मोमेंटम कहा जाता है, तो एनर्जी और मोमेंटम जो है जर्रा व जर्रा एक जर्रे से दूसरे जर्रे के अंदर में मुंतकिल होती है। यानी मौज के अंदर तवानाई और मियारे हरकत एक जर्रे से दूसरे जर्रे के अंदर में मुंतकिल होती है। और इसमें यह कि तमाम जर्रात जो है वो इर्तियाश करते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहां पर 3 पॉइंट बताया कि जर्रे जो है, जर्रात एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं करते। दूसरे पॉइंट के अंदर में मैंने बताया कि इसमें जो है तवानाई, मौत के अंदर तवानाई और मियारे हरकत, तवानाई और मियारे हरकत जो है एक जर्रे से दूसरे जर्रे के अंदर में या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। अब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल वो होती है, तो वो एक जर्रे से दूसरे जर्रे के अंदर, दूसरे से और आगे वाले जर्रे के अंदर में इस तरीके से तवानाई और मियारे हरकत की मुंतकिली इसमें होती है। उसी तरीके से नंबर 3 कि यहाँ पर तमाम जर्रात जो है वो इर्तियाश करते हैं। तमाम जर्रात, ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेट्स, इसके अंदर में जो है तमाम जर्रात इर्तियाश करते हैं। ये तीनों जो प्रॉपर्टीज है, ये जो खसूसियतें हैं, ये हर मौज के अंदर में होती है, चाहे वो मौज जो भी हो। इसके बाद हम इसके टाइप्स देखते हैं कि भाई इसकी किस्में, टाइप्स ऑफ वेव्स, इसकी जो किस्में हैं वो दो किस्में हैं, एक मैकेनिकल वेव्स और दूसरी जो है वो नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं, मेकान की मौजे, और नॉन मैकेनिकल वेव्स इसे गैर मेकान की मौजे कहते हैं। तो ये है इसके टाइप्स कि ये जो मौजे हैं इसकी दो किस्में हैं, एक है मेकानिकी मौजे और दूसरा जो है वो गैर मेकानिकी मौजे। इस तरीके से ये मौज की दो किस्में हैं। अब यहां ये देखते हैं कि ये जो मेकानिकी मौजे हैं, मेकानिकी मौजों की क्या तारीफ बनाई जा सकती है? मेकानिकी मौजे किसे कहते हैं? तो मेकानिकी मौजे कि भाई ऐसी मौजे जिन्हें आगे की जानी वशात के लिए, आगे की सिमत हरकत के लिए वास्ते की जरूरत होती है, ऐसी मौजों को मेकानिकी मौजे कहते हैं। ऐसी मौजे जिन्हें आगे की जानिब अशात के लिए, हरकत के लिए, सफर करने के लिए वास्ते की जरूरत होती है, उन्हें मेकानिकी मौजे कहते हैं। तो यहां पर जिस तरीके से ये मेकानिकी मौजों की तारीफ हो गई, इसके बेस पर हम गैर मेकानिकी मौजों की तारीफ भी बना सकते हैं कि भाई ऐसी मौजे, यहां हमने ये बताया कि इसको वास्ते की जरूरत होती है, तो यहाँ वास्ते की जरूरत नहीं होती। ऐसी मौजे जिनको आगे की सिम अशात के लिए वास्ते की जरूरत नहीं होती, ऐसी मौजे जिन्हें आगे की सिम अशात के लिए वास्ते की जरूरत नहीं होती, उन्हें गैर मेकानिकी मौजे, या फिर समझ लो इसे ही जो है दूसरा नाम दिया जा सकता है
वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी बरकी मेकनातीसी मौजे। तो जो गैर मेकान की मौजे है उन गैर मेकान की मौजों को ही बरकी मेकनातीसी मौजे या बरकी मेकनातीसी मौजे जो है वो गैर मेकान की मौजे होती है। इस लिहाज से दोनों की तारीफ जो है वो सेम है। तो ये जो मौजों की जो दो किस्में हुई, यहां पर जो फर्क मैंने दोनों की तारीफ में देखा वो ये कि यहाँ मेकान की मौजों को सफर करने के लिए वास्ते की जरूरत होती है और इसमें जो है गैर मेकान की मौजों में मौज को सफर करने के लिए आगे बढ़ने के लिए वास्ते की जरूरत नहीं होती। मतलब ये जो दो किस्में यहाँ पर हुई मौजों की, वो दो किस्में वास्ते की बिना पर है, यानी वास्ते की बिना पर ये मौजों को दो किस्मों के अंदर में तकसीम किया गया, एक मैकेनिकल वेव्स और दूसरा जो है वो नॉन मैकेनिकल वेव्स। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो मेकान की मौज है, क्योंकि हम जो इस यूनिट के अंदर में जो टॉपिक हम देखने वाले हैं, जो फोकस करने वाले हैं जिस चीज पर, वो मेकान की मौजों के ऊपर में हम फोकस करने वाले हैं। तो ये जो मेकान की मौजें हैं इनकी भी दो किस्में हैं, मेकान की मौजों की फिर से दो किस्में, एक जो है ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरा जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इस तरीके से ये इसकी दो किस्में हैं, मेकान की मौजों की दो किस्में के ट्रांसवर्स वेव, यानी इसे जो है वो उर्दू के अंदर में अर्जी मौजे कहा जाता है, अर्जी मौजे, और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स इसे उर्दू के अंदर में जो है वो तुली मौजे कहा जाता है, तुली मौजे। तो मैकेनिकल जो वेव्स है, मेकान की मौजे, इसकी दो किस्में हैं, अर्जी मौजे और तुली मौजे। तो अब यहां पर हम जो है अर्जी मौजे और तुली मौजे, इसकी समझ लो खसूसियतें, और उस खसूसियत को ही जो है फर्क के अंदाज में मैं बयान करता हूं, उसका जो समझ लो फर्क होगा वो पर्टिकुलर उस चीज के लिए, अर्जी मौज के लिए या फिर तुली मौज के लिए जो है उसकी खसूसियत भी यहाँ पर बनेगी। देखिए वो इस तरीके से, ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी जो है लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, तो पहले हम ये देखते हैं कि भाई ट्रांसवर्स वेव्स यानी अर्जी मौजे जो है किसे कहा जाता है। तो मैंने यहां जो शक्ल निकाला ये अर्जी मौज की शक्ल है। अब इसके अंदर में वास्ते के जर्रात का जो इर्तियाश है वो, और मौज के अशात की सिम, यानी जिसे मौज के अशात की सिम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, और वास्ते के जर्रात का इतिहास, मतलब ये है कि ये मौजों की, हाँ जो दो किस्में फिर से बनाया मैंने, माना कि ये मैकेनिकल वेव्स की दो किस्में है, इसे मौजों की किस्में अगर मैं कहूँ तो इस तरीके से कहा जाएगा कि ये जो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ये जो दो किस्में हुई
वास्ते के जर्रात का जो इर्तियाश है, यानी जर्रात के इर्तियाश की बिना पर मौजों की जो दर्जाबंदी है, इन दो किस्मों के अंदर भी की जा सकती है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और यहाँ जो समझ लो जो दर्जाबंदी हुई मौजों की, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स, ये जो है वास्ते से किस तरीके से गुजर सकती है, नहीं गुजर सकती, मतलब ये कि वास्ते की बिना पर मौजों की दर्जाबंदी जो है मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स के अंदर में की गई, उसी तरीके से ये जो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ये जो मौजों की दर्जाबंदी की गई, ये वास्ते के जर्रात का जो इर्तियाश है उसकी बिना पर मौजे इसके अंदर में तकसीम की गई, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो यहाँ ये जो शक्ल हम देख रहे हैं इसके अंदर में देखिए, पहला पॉइंट जो है आमतौर पर हम उसकी तारीख लिखते हैं किसी भी फलक के अंदर। तो यहाँ तारीख बनाते हैं कि भाई इस मौज के अंदर वास्ते के जर्रात का जो इर्तियाश है, वास्ते के जर्रात का इर्तियाश, देखिए कि इसमें वास्ते के जर्रात का इर्तियाश, तो वास्ते के जर्रात इस तरीके से जो अप एंड डाउन हो रहा है, ये वास्ते के जर्रात का इर्तियाश यहाँ इस तरीके से दिखाया जा सकता है। ये है वास्ते के जर्रात का इर्तियाश, यानी जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो इस तरीके से है ऊपर नीचे, ठीक है। और ये मौज के अशात की सिम, तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि जब ये अर्जी मौज है तो इसके अंदर में वास्ते के जर्रात का इर्तियाश और मौज के अशात की सिम, यानी आगे बढ़ने की जो सिमत है वो एक दूसरे पर उमूद है, क्योंकि ये वाई एक्सिस के मुतवाजी है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो है, यानी मौत के अशात की सीम, तो वो एक्स लेवल पर दिखाई गई है और एक्स और वाई लेवल दोनों एक दूसरे पर उमूद है। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ऐसी मौजे, इसकी तारीफ अब इस तरह होगी कि ऐसी मौजे जिनमें वास्ते के जर्रात का इर्तियाश मौत के अशात के सिंत के उमूदन हो, ये दोनों एक दूसरे पर उमूद है, ऐसी मौजे जिसमें वास्ते के जर्रात का इर्तियाश मौत के अशात के सिंत के उमूदन हो, उन्हें अर्जी मौजे कहते हैं, या उन्हें अर्जी मौजे कहा जाता है। तो यहां पर मैंने बताया कि वास्ते के जर्रात का इर्तियाश जो है वो उमूदन है, वास्ते के जर्रात का इर्तियाश मौत की अशात के सिंत के उमूदन है। अब इसी तरीके से इसकी भी तारीफ की जा सकती है तुली मौजों की, वो इस तरह होंगी कि ऐसी मौजे जिसमें वास्ते के जर्रात का इर्तियाश ये उमूदन के जगह जो है वो मुतवाजी करेंगे, मुतवाजी, वास्ते के जर्रात का इर्तियाश मौत की अशात के सिंत के मुतवाजी हो, ऐसी मौजों को तुली मौजे कहा जाता है। ऐसी मौजे जिनमें वास्ते के जर्रात का इर्तियाश और मौत की अशात की सिंत एक दूसरे के मुतवाजी हो, उन्हें तुली मौजे कहा जाता है। तो इस तरह ये पहला पॉइंट समझ लो यहाँ पर हुआ, जो दोनों की तारीख भी बन गई। उसी तरीके से मतलब ये है कि इसमें वास्ते के जर्रात का इर्तियाश और मौत के अशात की सिमत एक दूसरे पर उमूद होते हैं। तुली मौजों में वास्ते के जर्रात का इर्तियाश और मौत के अशात की सिमत एक दूसरे के मुतवाजी होती है, इस तरीके से खुसूसियत के हिसाब से भी लिखा जा सकता है। अब दूसरा पॉइंट देखिए कि दूसरे पॉइंट के अंदर में हम ये देख रहे हैं कि जैसे मैंने यहां पर सिर्फ जो है वो अर्जी मौज निकाला,
अगर समझ लो तुली मौज बनानी हो तो तुली मौज जो है वो इस तरह होती है। ये जो लॉन्जिट्यूडिनल जो वेव्स है तुली मौज की जो मिसाल है, आवाज की मौज इसकी बेहतरीन मिसाल है। अरे तुली मौजों की जो मिसाल है वो आवाज की मौजे है। उसी तरीके से यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि ये जो मौज मैंने निकाला ये अर्जी मौज है, क्योंकि तुली मौज किस तरीके से होती है देखिए, वो इस तरह होती है। तो यहाँ ये देखिए कि इसे जो है वो तकसीफ कहते हैं, ये तकसीफ है यानी कॉम्प्रेशन। यहाँ पर ये जो है वो हवा के जो पट्टे हैं वो एक दूसरे के करीब करीब है, और ये जो है वो तकसीफ कहलाती है। ये तकसीफ और ये जो है वो तलतीफ कहलाती है। तलतीफ, तलतीफ और ये तकसीफ, तलतीफ तकसीफ। तो इस तरीके से ये तलतीफ और तकसीफ की सूरत में है। तो मैं यहां पर देख रहा हूं जैसा उर्दू के अंदर में ये जो अर्जी मौज में मैंने क्रिस्ट और ट्रफ यहाँ पर बताया, तो इसे जो है ऊपर फराज बुलंदी, ये फराज है और ये जो है वो नशीब है, फराज और ये नशीब। तो यह दूसरा पॉइंट इस तरीके से कहा जा सकता है कि अर्जी मौज जो है, ये अर्जी मौज है नशीब वो फराज की शक्ल में होती है। अर्जी मौजे नशीब वो फराज की शक्ल में होती है। उसी तरीके से बात तुली मौजों की जाए, तो तुली मौजे जो है वो तलतीब और तकसीब की शक्ल में सफर करती है, या तलतीब और तकसीब की शक्ल में होती है। इसी तरीके से यहां तीसरा पॉइंट ये कहा जा सकता है कि एक नशीब और एक फराज मिलकर एक अर्जी मौज बनती है। एक अर्जी मौज बनाने के लिए, एक अर्जी मौज में जो है एक नशीब और एक फराज होता है। तो एक नशीब और एक फराज मिलकर एक अर्जी मौज बनती है। इसके अंदर में तीसरा पॉइंट कि एक तलतीब और एक तकसीब, एक तलतीब और एक तकसीब मिलकर जो है एक तुली मौज बनती है। एक तलतीब और एक तकसीब मिलकर एक तुली मौज बनती है। नंबर चार देखते हैं, देखिए दो मुतवातिर यहां पर इस तरीके से दिखाया जा सकता है। ये ऊपर वाला जो है फराज है और नीचे वाला नसीब है। तो यहां ये जो फासला है वो लैम्बडा के मसावी होता है, ठीक है। तो दो मुतवातिर फराज या दो मुतवातिर नसीब का दरमियानी फासला तुले मौज यानी वेवलेंथ लैम्बडा के मसावी होता है। दो मुतवातिर फराज या फिर दो मुतवातिर, इसे अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो इस तरीके से बताया जा सकता है कि दो मुतवातिर नशीब या दो मुतवातिर
फरास का दरमियानी फासला तुले मौज लैम्बडा के मसावी होता है या वो तुले मौज कहलाता है, मौज की लंबाई कहलाता है। इसी तरीके से यहां पर ये कहा जा सकता है कि दो तकसीब, दो मुतवातिर तकसीब या दो मुतवातिर तलती, दो मुतवातिर तकसीब या दो मुतवातिर तलती का दरमियानी फासला तुले मौज लैम्बडा के मसावी होता है। इस तरीके से ये चार चार पॉइंट, यहाँ पर पांचवा पॉइंट भी बताया जा सकता है कि ये जो मौज है ये मुतवातिर, हम ये देख रहे हैं कि मुतवातिर मौद्दिब और मकर, देखिए ये मौद्दिब है, ये मौद्दिब और ये मकर, तो ये जो मौज है अर्जी मौज ये मुतवातिर मौद्दिब और मकर शक्ल में तब्दील होती है। इसी तरीके से यहां अगर देखा जाए तो यहां तो मुझे सब लाइन ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर में फर्क यह है कि ये जो है हवा का ये पट्टा जो है वो करीब करीब आ गया है, ये पट्टा जो है वो दूर दूर चला गया है। तो ऐसा किस तरीके से होता, मैंने ये कहा कि तुली मौज की सबसे बेहतरीन मिसाल जो है वो आवाज की मौज है। अब जब मैं बात कर रहा हूं तो ये मुंह से जो हवा निकल रही है तो मुंह के सामने वैसा ये पूरे इसके अंदर हवा मौजूद है, मैं जब बात कर रहा हूं तो मुंह से हवा निकलने पर ये जो मुंह के सामने वाला जो हवा का पट्टा है इसके ऊपर में दबाव पड़ता है तो वो पट्टा आगे की जानिब सरकता है, इसलिए वो पहले वाले पट्टों के करीब हो जाता है। फिर यहाँ पर इसे जो है तकसीब कहते हैं। नेक्स्ट जो पट्टा है वो तलतीब होता है, इस तरीके से तलतीब तकसीब इस तरह हासिल होते हैं। तो यहाँ ये कि इसमें जो पट्टे हवा के करीब करीब आ गए हैं उनके अंदर में जो है वो दबाव ज्यादा है, इसी तरीके से वहां जो है वो कसाफत ज्यादा है और हवा के वो पट्टे जो दूर दूर है इनके दरमियान जो दबाव है वो कम है, उसी तरीके से इनकी जो कसाफत है वो भी कम है। तो मतलब ये कहा जा सकता है इस पॉइंट के अंदर में कि भाई इस मौज में जो है दबाव और कसाफत मुतवातिर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा के अंदर में तब्दील होते हैं, यानी तुली मौज के अंदर में दबाव और कसावट मुतवातिर ज्यादा से ज्यादा और कम से कम में तब्दील होते हैं। इस तरीके से ये इसकी प्रॉपर्टी भी हो गई, खसूसियत भी हो गई, यानी अर्जी मौज की खसूसियत अगर है तो ये पांच पॉइंट जो है अर्जी मौज की खसूसियत, तुली मौज की अगर खसूसियत लिखना है तो ये पांच पॉइंट उसकी खसूसियत हो गए, दोनों को मिलाकर अगर लिख दिया जाए तो ये हो गया फर्क। तो इस तरीके से ये अर्जी मौज मौजे और तुली मौजे इसके दरमियान के अंदर में हमने फर्क देखा। मौजी हरकत इसकी तारीफ देखते, जैसा हमने जब किताब के अंदर में यूनिट देखा तो उसमें इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ पॉइंट जो है वो कैन यू रिकॉल, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है उसमें दिए हुए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है अब तक के जो हमने देखा इसके अंदर में मिल गया। इसमें से जो बाकी है वो मौजी हरकत यानी वेव मोशन मौजी हरकत, तो ये मौजी हरकत क्या है ये समझते हैं।
इसकी तारीफ देखते हैं। तो मौजी हरकत जब वास्ते में किसी जर्रे को तवानाई दी जाती है तो वो जर्रा जो है तवानाई हासिल करने पर इर्तियाश करता है और उस इर्तियाश की वजह से तवानाई जो है उस जर्रे से दूसरे जर्रे में मुंतकिल होती है। इस अमल को मौजी हरकत कहते हैं। जब किसी जर्रे को तवानाई दी जाती है तो वो जर्रा इर्तियाश करता है, इर्तियाश करने लगता है, उसके इर्तियाश की वजह से तवानाई एक जर्रे से दूसरे जर्रे में मुंतकिल होती है। तवानाई एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है, मतलब एक जर्रे से दूसरे जर्रे में मुंतकिल होती है। इस अमल को मौजी हरकत कहते हैं। इसके बाद जब हम पॉइंट देखेंगे कुछ चीजें यहां पर तारीख इकाई इबाद के हिसाब से देखते है। ता इंग्लिश में जो है इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, मौज का हैता। दोनों चीजें हमको मालूम होना जरूरी है, उर्दू और इंग्लिश दोनों के अंदर में ये पता होना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से पीरियड ऑफ वेव, मौज का दौर, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी, तवातीर, वेलोसिटी ऑफ वेव, मौज की रफ्तार, मौज की रफ्तार। तो यहां इनकी तारीफें देखेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे थे अर्जी मौज की शक्ल मैंने पिछले इसमें बनाया था वो इस तरह कि ये अर्जी मौज है। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर में ये तीन ही जो कॉस है वो निकाले जाते हैं, इसमें कई कॉस बनाए जा सकते हैं। ये एक अर्जी मौज है, ठीक है। अब इसके अंदर में ये एक्स एक्सिस जो मैंने यहां निकाला और ये जो है वो वाई एक्सिस। अब वो डोर यहां पर एक स्प्रिंग की मिसाल ले सकता हूं कि मैंने डोर का एक सिरा जो है किसी मुस्तहकम सहारे से बांधा और उसका दूसरे सिरे को जो है खींच कर पकड़ा और उस सिरे को ऊपर नीचे तेजी से अगर मैं करता हूं, झटका देता हूं, तो उस डोर के ऊपर में इसके मानिंद मौज बनती है। ये अर्जी मौज है। तो जब मैंने उस मौज को झटका नहीं दिया तो उस वक्त उस डोर का जो मकाम है वो है उसका, यानी वो एक्स एक्सिस वो है उसका औसत मकाम। मतलब यहां पर ये जो एक्स एक्सिस है ये औसत मकाम को जाहिर कर रहा है, ऐसा समझिए। और जो हैता है वो यहां दिखाया जा सकता है, ये है हैता। तो यहां हम ये देख रहे हैं कि ये आजम फासला है औसत मकाम से, आजम फासला। तो किसी भी जर्रे का औसत मकाम से होने वाला आजम हटाओ, मौज का हैता कहलाता है। किसी भी जर्रे का औसत मकाम से
किसी भी जर्री का औसत मकाम से होने वाला जो आजम हटाव है वो मौज का हैता कहलाता है। इसे जो है वो कैपिटल ए से जाहिर किया जाता है। और ये है कि ये फासला ही है, हैता बोले तो फासला है, इसलिए उसकी जो इकाई है एमकेएस इकाई वो मीटर है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, वो ये कि मौज का दौर। तो हमने ये देखे कि दौर जो है वो लगने वाला वक्त है, मतलब दौर दूसरा कुछ नहीं बल्कि वक्त है, और वो भी वो वक्त जो जर्रे को एक इतिहास मुकम्मल करने के लिए लगता है। तो जर्रे को मौज में जर्रे को अपना एक इतिहास मुकम्मल करने के लिए लगने वाले वक्त को, दरकार वक्त को मौज का दौर कहते हैं। और इसे जो है कैपिटल टी से जाहिर किया जाता है। और इसकी जो इकाई है वो सेकंड है। यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एमकेएस इकाई सेकंड है या फिर सीडीएस है, वो इसलिए क्योंकि वक्त की एमकेएस इकाई ली जाए या सीडीएस ली जाए, दोनों सूरतों में वक्त की जो इकाई है वो सेकंड है। अब आइए हम मौज का तवातीर देखते हैं। तो मौज का तवातीर ये के जर्रे के जरिए एक सेकंड में मुकम्मल करदा इर्तियाज की तेदा, या एकाई वक्त में जर्रे के जरिए मुकम्मल करदा इर्तियाज की तेदाद को, तादाद को मौत का तवातीर कहते हैं। जर्रे के जरिए एक सेकंड में या एकाई वक्त में मुकम्मल करदा इर्तियाज की तेदाद को मौत का तवातीर कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कि वो एक सेकंड में या यूनिट टाइम के अंदर में कितने वाइब्रेट, कितनी मर्तबा वाइब्रेट होता है, उसका जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है उसे मौत का तवातीर कहते हैं। और इसे जो है वो एन से जाहिर करते हैं। और ये तवातीर दौर का माकूज होता है, यानी एन इज इक्वल टू वन बाय टी। तो अब जब ये कि इस टी की इकाई सेकंड है, तो अगर इसकी इकाई लिखना है तो ये वन बाय सेकंड हुआ, और वन बाय सेकंड यानी हर्ट्ज। तो मौज का जो तवातीर है उसकी इकाई हर्ट्ज होती है। उसी तरीके से यहां पर अब ये कि मौज की रफ्तार, तो मौज की रफ्तार वी इज इक्वल टू, जैसा हमें मालूम है कि रफ्तार बराबर फासला या हटाओ, तो इसे इस तरह पढ़ा जा सकता है, एकाई वक्त में मौज के जरिए तय करदा फासले को मौज की रफ्तार कहते हैं। एकाई वक्त में मौज के जरिए तय करदा फासले को मौज की रफ्तार कहते हैं। उसी तरीके से यहां पर वेवलेंथ ऑफ वेव, ये पॉइंट अपना बाकी रह गया, वेवलेंथ ऑफ वेव, मौज का मौजे तूल, मौज का मौजे तूल। तो मैंने इसके पहले में फर्क देख लिया, फर्क के अंदर में हमने ये देखे कि दो मुतवातिर फराज, यहां देखिए ये दो मुतवातिर फराज का दरमियानी फासला, या फिर दो मुतवातिर नसीब का दरमियानी फासला, या फिर दो मुतवातिर तलतीब, या दो मुतवातिर तकसीब का दरमियानी फासला तुले मौज लैम्ब्डा कहलाता है। तो इस तरीके से हम यहां इसकी तारीफ दे सकते हैं
दो मुतवातिर फराज, या दो मुतवातिर नशीब, या दो मुतवातिर तलतीब, या दो मुतवातिर तकसीब के दरमियान का फासला तुले मौज लैम्ब्रा कहलाता है। तो इसी तरीके से इसकी दूसरी तारीफ ये की जा सकती है कि यक्सा हयत में इर्तियाश करने वाले दो जर्रात का दरमियानी फासला, यक्सा हयत में इर्तियाश करने वाले दो मुतवातिर जर्रात का दरमियानी फासला तुले मौज का मौजे तूल कहलाता है। यक्सा हयत में इर्तियाश करने वाले दो मुतवातिर जर्रात का दरमियानी फासला मौज का मौजे तूल कहलाता है। अब ये कि इसकी फिर इकाई क्या, मौजे तूल मौज की लंबाई, और लंबाई की जो एमकेएस इकाई है वो मीटर है, तो इसकी इकाई जो है वो मीटर हुई। तो और आमतौर पर ये जो वेवलेंथ है ये एंगस्ट्रॉम यूनिट के अंदर में होती है। तो यहाँ ये एमकेएस इकाई मौजे तूल की ये मीटर हुई, लेकिन आमतौर पर मौजे तूल को खुले मौज को जो है इकाई जो इस्तेमाल की जाती है एंगस्ट्रॉम यूनिट उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से हमने यहां पर देखे, इसे आगे चलाया जा सकता है। देखिए कि जैसा हमने देखा कि भाई इकाई वक्त में मौज के जरिए तय करदा फासले को मौज की रफ्तार कहते हैं। अब ये कि अगर ये वक्त जो है वो कैपिटल टी ले लिया जाए, कैपिटल टी वक्त में मौज के जरिए तय करदा फासला जो है वो तुले मौज लैम्ब्रा के मसावी होता है। कैपिटल टी वक्त में मौज के जरिए तय करदा फासला तुले मौज लैम्ब्रा के मसावी होता है। तो इस रफ्तार को इस तरह लिखा जा सकता है, रफ्तार वी से जाहिर किया जा रही है, तो वी इज इक्वल टू लैम्ब्रा बाय टी, वी बराबर लैम्ब्रा बाय टी। लेकिन हम इसे ऐसा लिख सकते हैं लैम्ब्रा इंटू वन बाय टी, ऐसा लिखा जा सकता है, या फिर वन बाय टी इंटू लैम्ब्रा। तो यहां बट एन इज इक्वल टू वन बाय टी, therefore this v is equal to n lambda, v बराबर n lambda। ये इस तरीके से रफ्तार तवातीर और तुले मौज के दरमियान का ताल्लुक है, और ये जो मसावात है किसी भी मौज के लिए ये इसकी तस्दीक होती है। तो v is equal to n lambda यानी रफ्तार बराबर तवातीर जरब मौजेतुल। तो इसके आगे का जो पार्ट है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में कंप्लीट किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु।